जय श्री राम दोस्तों। भाई आज हमारा सातवां दिन फिर और शुरू हो गया। आज हमारी डेस्टिनेशन क्या रहेगी? आज हमारी बाढ़ पार करके गुरेरा में हम दोपहर का भोजन करेंगे, विश्राम करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे और लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। लगभग 30 किलोमीटर चलना आज। और शाम को हमारा पड़ाव गोविंदपुरा में रहेगा। गोविंदपुरा? हाँ गोविंदपुरा। ना भाई दोस्तों, फिर से एक और यात्रा, सातवें दिन। जय श्री श्याम। और कल हम दर्शन कर लेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो बुजुर्ग आदमी फिर तो चल पड़े भाई। सातवें दिन है। जय श्री श्याम। 75 साल का बुढ़ा बाबा की यात्रा पे। जय श्री श्याम। 7 दिन हो गए लगातार। जय श्री श्याम। तो बुढ़ापा की आग गढ़ रहा है भाई। धोले बाल ओले सिर पे भाई, लेकिन बाबा बुलाने लग रहा है। लो भाई सामने शिला पहाड़, अरावली हिल्स, दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला बाबा की। पहाड़ों के बीच से जाते हुए बाबा खाटू श्याम धाम। जय श्री श्याम। आज अपना सातवां दिन है भाई। और तौ सुंदर के साथ, जो कि पहला इंसान है जो इस जोत को सबसे आगे पुछाता है और सबसे आगे रहता है पूरे संघ में। जय श्री श्याम। तो क्या आप दो शब्द कहना चाहेंगे? बाबा की शक्ति भाई। बाबा की शक्ति। अपरंपार बाबा लेके जा है। और जमा नहीं डटता। जमाई सोई आ जाओ, किमे आ जाओ, किमे आ जाओ, चलना पड़ेगा। सोई ठीक हो जाएगी, लेकिन बाबा ओड़े है। ओड़े है। जय श्री श्याम। बाबा साथ है भाई। ले भाई एक और मनुष्य से मिलवाते हैं आपको। ये हमारे ताऊ जी, ताऊ साधु राम भाई। शरीर में दिक्कत है लेकिन बाबा की यात्रा में कोई कठिनाई नहीं। ताऊ लगड़ा के चलन ला रहा। मैंने 7 दिन हो गए तुम देख देना। 3 साल हो गए ऑपरेशन बोल रखा था। अच्छा, लेकिन बाबा की शक्ति तो मैं खूब चलन जोगा हो गया, चलन लाग रहा हूँ। पहुंचूंगा तीसरी यात्रा। पैरा में कोई दिक्कत दर्द ना? कोई दर्द नहीं, घर तो जैसा कुछ नहीं। आड़े किमें नहीं हुआ, चलता नहीं। और सातवां दिन है। सातवां दिन। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ये देख लो भाई, कितने पुराने पुराने पेड़ है पीपल के। पूरी मूछे है इतनी बड़ी बड़ी। अरे क्यों भाई उर्ली का नहीं, पूरे पुराने पुराने पेड़ है भाई साहब। क्या चीज होता हूँ दिया? जो भाई बर्था सन का घर मनाने में काल मना है। हाँ उतने मंदिर में काल मना है। बाबा का आशीर्वाद मिला हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। आशीर्वाद के लिए बनाया जाता है। जय बाबा की। जय श्री श्याम। अच्छा सारे बना दो। ले भाई इसमें आशीर्वाद मेरे का नहीं रहने दे। बाबा आ गया। आ गया ना, ले तो ले एक बार आशीर्वाद ले। ले ले थोड़ा हा ए नु करके। अरे सिर्फ बस छू मंत्र। चलो भाई जय हो। लो जी भक्तों के लिए सेवा, सुबह सुबह सेवा कर रखी है भाई भक्तों के लिए। भंडारा भाई हर जगह है। ये देख लो पहाड़ के बीच में टिब्बा है वहाँ पे भी। ला भाई भक्तों ने सेवा कर दी। सामने पहाड़ी और पोहा खा रहे हैं भाई। पोहा कैसा बना है? पोहा भाई मैंने तो दूसरी या तीसरी बार खाया है भाई। मैंने तो खाए को नहीं। तीसरी बार खाया है के? चलो भाई कुछ बार सच्चाई निकल जाती है मुंह से, लेकिन आप इग्नोर करें। पोहा खाएं और बाबा खाटू श्याम की यात्रा में हमारे साथ विलीन हो जाए। जय श्री श्याम। बुआ लागे सर, मेरी लागे भाई। क्यों गई आगे तक संभाल लेना और भाई इतने दूर गई है। सारे है जो ताले जा रहे। सारे सारे कई आदमी है ना दिखा भाई ना दिखेंगे या हो सका भाई आदमी ने ना दिखाई सोने एक बार मामे जावा है पकड़ ले। पकड़ दे भाई तोड़ तोड़ इसी ऐसे दिमाग से आग न हो लेगी तोड़ जाओ भी को नहीं। मस्त व्यू है भाई सामने पहाड़ी। यही रास्ता था वो पहाड़ों के बीच में से। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कड़ गया रे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। रास्ता देखिए बढ़िया बना रखा है ना, दोनों तरफ पेड़ पहाड़, सूरज महाराज अपनी गर्दन निकाले हुए। जय श्री श्याम।
अपनो घड़ो भरो सन्ने हरकत के पियो खान टाइप पियो जोर लागे घड़ा भरतियां भाई जोर तो लागे लागे वो तो आ रो लुआ गया टूटी मत पानी आ गया उसमें घट गया अंबे रास्ता भर गया और आरो वो दिन में जीवित ही जा घाट में सुत्ते न नल की नींद आवा पियो तो आ रहे थे भी कुड़ जाको कुड़ जाको उसकी जो भी रास्ता बने वो इबान का नाम भी आर और वो घरी लावा तो उन्हें कौन पिया का दियार वाला पानी मैं कौन पियो भी या कजे भी खरीद को कारे कुमार बड़ा पियो ले बाबा की ले भाई पुराने से गांव में आ गए गांव के घर देखो कैसे कैसे गुरारा गांव घर तो पुराने पुराने हैं बिल्कुल आप अपने दोपहर के स्टे से थोड़ी सी दूर है थोड़ी। क्यों भाई किसी की भीड़ देखी इतना आराम है खूब देखी भाई भीड़ फुल मजा आ गया ओ बिल्कुल बहुत मजा आने लग रहा है टांग में दर्द होते होते चलने लग रहे हैं यो तो मजा है भाई यात्रा का पैदल यात्रा का जय श्री श्याम पुराना गांव है भाई चूड़िया जय श्री श्याम जय श्री श्याम देख लो भाई बूढ़ी अम्मा चल रही है खाटू श्याम यात्रा के लिए सही में भाई पैदल यात्रा के दौरान है ना हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो कि हम गाड़ी वगैरह में नहीं देख पाते और दोपहर की यात्रा हमारी लगभग कम्प्लीट हो ही गई है अभी हमारा सारा संग हमारे पीछे पीछे आ रहा है हम बहुत ज्यादा मतलब बीच में पहुंच जाते हैं नॉर्मल आराम से चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है अभी राजस्थान का कुछ ऐसा ही कल्चर है यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है और ये देखो पहाड़ी के ऊपर किला है पहाड़ी के ऊपर किला बना रखा है देख लो भाई साहब पुरानी पुरानी चीज़ तो है यहाँ पे मतलब कहना तो नहीं चाहिए अजीब सा लेकिन मंदिर है तो भाई बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पे कोई है भी नहीं ना कोई पुजारी ना कोई और ये भी जहाँ हम स्टे किया है ना हमने दोपहर का बिल्कुल पास में था भगवान भोलेनाथ का मंदिर जय भोलेनाथ कौन से राजा का किला है ये अब यार राजा को तो मुझे पता नहीं उसकी थालीबाजी तब मैं ही जन्म नहीं हुआ था मेरा ही अच्छा अच्छा और ये जो ये मंदिर है सामने ये तो अभी बनाया ज्यादा दिनों का नहीं ज्यादा दिनों का नहीं है अच्छा अच्छा तालाब बना रखा है टेम्परेरी पानी पीते थे ये हमारे योगी भैया लंगूर को रोटी खिलाते हैं एनिमल लवर ला बुआनी खेड़ा का ग्रुप चल पड़ा भाई बाबा श्याम की तरफ श्री श्याम भाई 75 साल का बुढ़ा रेगिस्तान के खेतों में तो कुकर जान ला रहा है बाबा की दर पे भाई दुम्मा ठा रखा भाई ने भाई हरियाणा तो आया स्पेशल हरियाणा भाई सातवां दिन हो गया जमा टटन का नाम नहीं ले रहा पैर हम छाले हो गए इसका काला लगा रहा चश्मा अखा भाई कदम सूरज का चौंधा नहीं लग जा आंख बड़वा रखी है जय श्री श्याम जय श्री श्याम ये उन बुढ़ा का तेरा एग्जाम्पल है जो खाट पे बैठे काजू खा ला रहे अरे ले रोटी खा गए रेत का भैग उड़ा चा तूफान चलांदा अन चौपड़ी जय श्री श्याम काट तो ले गया भाई ले भाई दोस्तों हमारे आज के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे हम लोग और तकरीबन 4 किलोमीटर बचा है गोविंदपुरा गांव में आज स्टे करेंगे नहीं हार नहीं मानेंगे छोरे भाई देख ले हरियाणा के हरियाणा नाम ही काफी है बीएड का एरिया है क्या खुला वृक्ष ही वृक्ष कांटो वाले पड़ी नीम जय श्री श्याम श्री राम लो भाई पहुंच गए जी जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम